नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, फ्राइडे के सेशन की जो हमारी क्लोजिंग है वो यहाँ पे हुई है 14,341 के आसपास हमने क्लोज किया है। फ्राइडे का जो हमने हाई लगाया था वो लगाया 14,460 के आसपास और जो हमारा लो लगाया है 14,274 के आसपास का हमने लो लगा के यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 14,340 के आसपास। जैसा कि नीचे की तरफ से मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है तो हमने इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू, पहले हम सपोर्ट ले रहे थे, अब हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंटिन्यू इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। 7-8 ट्रेडिंग सेशन से हम इसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा हम इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए जाएंगे। अब हमारे पास जो पहले ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, ऊपर जाते वक्त यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये, जो कि यहाँ पे है 14,500 से लेकर के 14,600 के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपको डेली चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए 14,500 से लेकर के 14,600 के बीच में स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जो बायर होगा फुल मोड में कब आएगा, जब हम 14,600 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे बायर एक्टिव मोड में आएगा। अभी यहाँ पे हर बाउंस बैक पे सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। जब तक हम 14,600 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे सेलर आपको हावी होते हुए दिखेंगे। नीचे की साइड में अगर देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, पहले मैं ये निकाल देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ध्यान से देखिए हम इस ट्रेंड लाइन यानी लोअर लो हम बनाते हुए चले जा रहे हैं। कंटिन्यू यहाँ पे लोअर लो हम बना रहे हैं और कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए चले जा रहे हैं। ऊपर की साइड से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रा कर दूं यहाँ से तो अब हम इस चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। डेली चार्ट में इस चैनल के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस चैनल के अंदर में ही अगर बने रहें तो गिरावट थोड़ी सी स्लो रहेगी। अगर हम इस चैनल को नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तो गिरावट आपको यहाँ पे फास्ट देखने को मिलेगी निफ्टी में। तो निफ्टी में ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी जो है वो है यहाँ पे 14,000 के आसपास। अगर हमने यहाँ पे डेली चार्ट पे 14,250 के नीचे क्लोज किया तो हमारा टारगेट फिर यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 14,000 के आसपास। अगर हम 14,000 को भी ब्रेक करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पे 13,700 के आसपास का रहेगा निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 14,250 के नीचे क्लोज ना करे। अगर ये डेली चार्ट पे 14,250 के नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ पे ये 200 पॉइंट आपको बहुत फास्ट आते हुए दिखेंगे निफ्टी में डेली चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से। अब चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीकली एनालिसिस कर दूँ, क्योंकि हम फ्राइडे की क्लोजिंग पे है तो हम यहाँ पे संडे को एनालिसिस करें, थोड़ा सा वीकली एनालिसिस करते हैं। तो वीकली एनालिसिस पे अगर देखेंगे हम तो वीकली एनालिसिस में धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। गिरावट जरूर यहाँ पे स्लो है लेकिन धीरे धीरे हम नीचे की साइड में आ रहे हैं। जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बताया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम आएंगे तो ही हम फास्ट गिरेंगे और बहुत तेज़ी से हमें 200-250 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं यहाँ पे आवरली चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने आवरली चार्ट लगा लिया, बाकी ये सब सारी चीज़ें पहले मैं निकाल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे अगर ध्यान से हम देखें तो आवरली चार्ट में अभी जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन रही है। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में जैसा कि मैंने बताया लोअर लो यहाँ पे बनते हुए चले जा रहे हैं। अब हमारे पास ये लाइन है आवरली चार्ट पे देखा जाए तो हम इसके अंदर में अभी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो हमें थोड़ी सी मोमेंटम आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं और गिरना स्टार्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगी, कंसोलिडेट करेंगे और गिरना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो शायद इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम वापस यहाँ पे 14,100 के पास आए और फिर शायद यहाँ से हम बाउंस बैक लेते हुए वापस 14,300 के पास तक जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा उसके बाद बाउंस लेगा तो ही हमें यहाँ पे बाइंग करना है। अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता है, वन वे आके वन वे निकल जाता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। जब भी यहाँ पे आए आपको दिखना पड़ेगा कि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, एक घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट के बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड में वापस हम शायद फिर से स्टैंड लाइन को टच करने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि जैसे हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे हम वापस स्टैंड लाइन के पास तक जा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आवरली चार्ट पे तो ये ट्रेंड लाइन है, इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होकर आप बैठे रहिएगा। इस जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से मोमेंटम यहाँ पे बनता है और उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो समझ जाइएगा यहाँ पे कि 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन आपको नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन सेम डे में देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि इस ट्रेंड लाइन के पास में निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। अब चलिए देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमें
निफ्टी को कल किस तरह से बाइंग करना है या फिर कहां पे हमें सेल करना है। यहां पे मैंने चार्ट को अब 15 मिनट लगा लिया, तो हमने यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे को हमें किस तरह से बाइंग या सेल करना है निफ्टी को। निफ्टी को एक चीज ध्यान रखिएगा, 14,200 के आसपास जब भी आएगा, यहां पे सपोर्ट का काम कर रहा है 14,200 के आसपास। देखिए इंट्राडे में हम 14,200 के आसपास आते हैं और यहां से हम बाउंस बैक ले लेते हैं। तो मान लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, यहां पे 150 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर पहली कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ध्यान रखिएगा पहली 15 मिनट की कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो इसी ग्रीन कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाइंग कर सकते हैं। शायद हमें टारगेट वापस फिर देखने को, जो आज की हमारी क्लोजिंग है यानी 14,340 के आसपास तक हम जा सकते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में, जब हम 150 कम से कम 100 से 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होंगे उसके बाद में ही, उसके बाद ही हम इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं कि इस जगह के आसपास में आए कोई ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद हम देखेंगे। मान लीजिए हम इतना बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, हम इसी रेंज के आसपास में कहीं ओपन हो जाते हैं, यहाँ से लेकर के इस रेंज के बीच में ओपन होते हैं, यानी हम 14,270 से लेकर के 14,350 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर इस रेंज को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, यानी 14,380 को ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं, तो एक थोड़ा सा मोमेंटम आपको मिल सकता है, जो कि हमें 14,420 और फिर उसके बाद 14,460 के पास तक लेके जा सकता है निफ्टी में, अगर हम ऊपर की साइड में इसी रेंज में ओपन होने के साथ में ब्रेक करते हैं। तब अगर नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा, पहला अगर हम एक रिस्की ट्रेडर हैं, इसी बीच में हम ओपन हो जाते हैं, तो 14,320 के नीचे अगर आता है तो इसको आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 14,280 का, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 14,240 का, और तीसरा टारगेट होगा यहाँ पे 14,200 का हमारा टारगेट होगा निफ्टी में। इसी रेंज में हम कहीं पे ओपन होते हैं, 14,320 को ब्रेक करें तो आप सेल कीजिए 14,280, 14,240 और 14,200 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे निफ्टी को सेल कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप ओपन हो जाए, तो इंतजार कीजिए यहाँ पे कोई रेंज बनेगी, रेंज को जब हम ब्रेक करेंगे ऊपर या नीचे की साइड में, तब हमें यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें निफ्टी में मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिएगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है, जिससे मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। प्रीमियम ग्रुप में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ चार्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 660 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो उसको आप देखते रहिएगा। एशियन पेंट इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच रखना है, कब तक, जब तक ये 3,350 के ऊपर क्लोज नहीं करता या नीचे की तरफ ये 3,500 के नीचे ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है। बजाज फिंसर यहाँ पे कल एक मोमेंटम देख सकते हैं, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तब। बजाज फाइनेंस में भी कुछ नहीं करना है, भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी वेट एंड वॉच ही है, सपोर्ट जो है वो 500 के आसपास का यहाँ पर भी है। BPCL अभी कंसोलिडेट करने के बाद वापस ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो अगर मंडे के सेशन में ये 425 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बाइंग सिचुएशन जनरेट हो सकती है, जो कि इसको 430 और 435 के पास तक लेके जा सकती है। ब्रिटानिया इसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी है, तो अगर इसके लो के नीचे निकलता है तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं ब्रिटानिया को। सिप्ला वेट एंड वॉच कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया में भी कुछ नहीं करना है अभी। डिवीज लैब जब तक ये 3,850 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पे बाइंग अभी मत कीजिए, 3,850 के बाद इसका टारगेट 4,000 का रहेगा। डॉक्टर रेड्डी वेट एंड वॉच यहाँ पर भी रखिए। आइसर मोटर कंटिन्यू वीक है यहाँ पे, जैसा कि 2400 को ब्रेक करने के बाद मैंने इसका टारगेट ऑलरेडी आप लोग को 2200 का बताया हुआ, तो धीरे धीरे उसी कंडीशन में ये बढ़ रहा है, तो अगर ये मंडे के सेशन में फ्राइडे के लो को ब्रेक करे तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ग्रासिम कुछ नहीं करना है, SCL टेक्नोलॉजी इसका भी रिजल्ट के बाद इम्पैक्ट इसमें भी थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन सपोर्ट इसका जो है 900 से लेकर 930 के बीच में एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो वहाँ पे नज़र बना के आप रख सकते हैं। HDFC लिमिटेड जो सपोर्ट है 2350 के आसपास है, HDFC लाइफ का जो सपोर्ट है 660 के आसपास है। हीरो मोटो अभी भी ये कंसोलिडेट कर रहा है नीचे के लेवल पे, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। हीरो मोटो बाइंग साइड में मोमेंटम तभी जनरेट होगा जब ये 3,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। हिंडाल को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही, तो प्रॉफिट यहाँ पर ले लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये देखिए
जैसे कि 2500 के ऊपर क्लोज करेगा तभी हम इसको बाइंग करेंगे। अब जो इसका सपोर्ट है वो 2200 के आसपास मिलेगा। इन्फी यहाँ पर भी थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, मेरे ख्याल से 1320 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ये 1320 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है इन्फी में। IOC कुछ नहीं करना है, ITC 200 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं। किसी को रिस्क लेना है तो 199 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाइंग कर सकते हैं। JSW स्टील यहाँ पे फ्लैग बटन बन रहा है, तो अगर ये क्लोज करता है 650 के ऊपर तभी हम इसे लेके जाएंगे 680 और 700 के टारगेट के लिए। LNT नीचे की साइड में वीक है, देखिए इसी लेवल के नीचे कंटिन्यू क्लोज कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर नीचे की साइड में ये 1300 ब्रेक करेगा तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट यहाँ पे 1250 और 1200 तक की देखने को मिल सकती है। M&M कुछ नहीं करना है, मारुति में भी कंसोलिडेट कर रहा है तो वेट कीजिए मारुति में। नेस्ले में कुछ नहीं करना है, NTPC वेट करना है, ONGC में भी कुछ खास नहीं दिख रहा। पावर ग्रिड जैसा कि बताया सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट जो है 200 का है, अब इसके लिए रेजिस्टेंस 215-220 का ये रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट है वो 1820 के आसपास है। SBI लाइफ अभी कुछ नहीं करना है, श्री सीमेंट में भी कुछ नहीं करना है। सन फार्मा ध्यान रखिएगा 650 के ऊपर की क्लोजिंग इसको स्ट्रांग करेगी और लेके जाएगी 680 से 700 के आसपास तक। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा एंजल ब्रोकिंग अप स्टॉक से अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर अगर आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगला स्टॉक से हमारा टाटा मोटर, जो इसका सपोर्ट है 280 के आसपास में है। टाटा स्टील में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मुझे लगता है नेक्स्ट मोमेंटम तभी आएगा जब ये अब ये 1000 के ऊपर क्लोज करेगा, सॉरी 950 के ऊपर क्लोज करेगा उसके बाद ही। TCS में कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा में भी जो सपोर्ट है वो है 920 के आसपास है। ध्यान रखिएगा इसका भी रिजल्ट आया होगा या आने वाला होगा तो नज़र बना के रखिएगा 900 के आसपास के लेवल पे। टाइटन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो जब भी लो को ब्रेक करे मंडे के सेशन में इसको सेल कीजिए, मेरे ख्याल से 1440 के टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट कुछ नहीं करना है। UPL में भी नज़र बना के रखिए, इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर ये 520 की तरफ बढ़ेगा। विप्रो एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लीजिए, जैसा कि मैंने मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके शायद 570 का बोला था, तो अभी 575 है, 570 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो इससे निकल जाइएगा। अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी जो सपोर्ट है 640 का, ऊपर की साइड में क्लोजिंग जब 680 के ऊपर क्लोज करे तभी से लेके जाइए 720 के टारगेट के लिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।